सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों को अपकमिंग यूनियन बजट 2024-25 से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि 2024 में जब अंतरिम बजट पेश हुआ था तब चुनावी बजट था और इसीलिए सैलरीड क्लास को कुछ ज्यादा मिला नहीं था, हाथ खाली ही रह गए थे। और अब 2024 के फुल फ्लेज्ड बजट पर इसलिए ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। तो बजट में इनकम टैक्स को लेकर सैलरी क्लास क्या चाहता है, क्या है उनकी उम्मीदें, यही हम आपके लिए लेकर आए हैं। डिलॉयट इंडिया में पार्टनर दिव्य बवेजा के हवाले से मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में हमने कई तरह के बदलाव देखे। इसने टैक्स पेयर्स को टैक्स रिजीम स्विच करने के लिए मोटिवेट किया, हालांकि जितनी उम्मीद की जा रही थी उस तरह का रिस्पांस न्यू टैक्स रिजीम को नहीं मिला। ऐसे में उम्मीद यही है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत सबसे ऊंची जो 30% की टैक्स दर है इसे घटाकर 25% करने पर विचार कर सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम स्लैब पर 30% का टैक्स है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की मौजूदा लिमिट को भी बढ़ाए जाने पर बात चल रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा चल रही है और इसमें न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट कितनी बढ़ सकती है, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 25,000 से 50,000 रुपए तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा सकता है। बावेजा का मानना है कि सरकार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत भी रियायत दे सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स रेट के लिए इनकम लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा सकता है और ATC की लिमिट को भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% की दर से इनकम टैक्स देना होता है, यानी वो सबसे हाई कैटेगरी में आ जाते थे टैक्स के। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80C है वो टैक्स बचाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी काफी पॉपुलर रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, EPF, 5 साल की टैक्स सेविंग FD, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस जैसे ऑप्शन में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक का एक डिडक्शन टैक्स पेयर्स क्लेम करते हैं। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेक्शन 80C की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए पर पहुंचा दिया था, लेकिन काफी समय बीत गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है और पिछले करीब 10 साल में इस लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि 80C की डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। वैसे अच्छी खबर मिल सकती है उन लोगों को भी जो किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में रहने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA टैक्स बचाने का एक अच्छा जरिया है और इसे क्लेम करने की शर्त है कि कर्मचारी को अपनी इंप्लॉई यानी कंपनी से HRA मिलता हो और जिस घर में वो रह रहा हो उसका किराया भरता हो। कोविड के बाद मकानों का किराया काफी तेजी से बढ़ा, जिससे बड़े शहरों में रहना बहुत महंगा हो गया है और सरकार सैलरीड कर्मचारियों को राहत देने के लिए मेट्रो शहरों की संख्या यानी दायरा बढ़ा सकती है। अभी मेट्रो सिटीज की कैटेगरी में 4 शहर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और मेट्रो शहरों में ज्यादा HRA मिलता है, तो इसीलिए अगर मेट्रो शहरों की गिनती बढ़ती है तो ज्यादा लोग इसके दायरे में आ पाएंगे। हर साल हम बजट का इसी तरह इंतजार करते हैं कि कहां राहत मिलेगी, कहां टैक्स बचेगा, और सरकार की ओर से बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद सभी को रहती है। बजट से जुड़ी आपकी कितनी उम्मीदों पर मुहर लगी इसका पता तो 23 जुलाई को वित्त मंत्री के बजट भाषण के साथ ही लगने वाला है। लेकिन एक बात और, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चल रही है तो बजट के चक्कर में इसे नहीं भूलिएगा। इसकी डेडलाइन है 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए और आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न खुद भी भर सकते हैं। अगर आपकी केवल सैलरी इनकम है तो ITR 1 है आपके लिए सही फॉर्म। प्रीफिल डेटा में दी गई डिटेल्स को फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS से मैच करके ही रिटर्न फाइल कीजिएगा। और बजट का इंतजार जारी है और बजट से जुड़े हर न्यूज अपडेट के लिए मनी 9 से जुड़े रहिए, देखते रहिए।